अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये हो रहा था सुबह का टाइम और मैंने कपड़े वॉश किए थे और कपड़े ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मैंने कपड़े हाथ से ही धोए थे। मशीन मैंने नहीं लगाई थी और थोड़े से कपड़े थे तो मैंने हाथ से धो लिए थे और उसके बाद मैंने नहा लिया था। और सुबह का मॉर्निंग का काम हो चुका था, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, बेटा भी मेरा जा चुका था स्कूल के लिए और हस्बैंड भी जा चुके थे। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था। एक बार मैंने सुबह में झाड़ू लगा दिया था और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी जो कि थोड़ा थोड़ा कूड़ा आ रहा था झाड़ू के साथ। और मौसम ऐसा हो रहा है आजकल, थोड़ा थोड़ा बहुत आंधी वगैरह तूफान वगैरह आता है तो डस्ट भी सुबह के टाइम आ ही जाती है, थोड़ी थोड़ी डस्ट ज़रूर रहती है सुबह के टाइम। इसलिए अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ मैं ताकि कोई भी डस्ट ना रह जाए। और इसके बाद मुझे करनी थी क्लीनिंग और दूसरे वाले रूम में से मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है। उसके बाद में पोछा भी मैंने वहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर उसके बाद में मैं पोछा लगाने लगी हूँ, मोप लगाने लगी हूँ और अच्छे से, ताकि जो डस्ट थोड़ी बहुत रह गई है वो भी निकल जाए। क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी, उसके बाद में मुझे बनानी थी रोटियाँ। दोपहर का लंच मुझे बनाना था तो मैंने आटा यहाँ पर गूंदने लगी हूँ, आटे को छान रही हूँ मैं। नीचे बैठकर ही आटा गूंदना ज़्यादा पसंद है, खड़े होकर मुझसे आटा नहीं गूंदा जाता है ठीक से, अच्छे से जैसा मुझे आटा पसंद है उस तरह से आटा नहीं गूंद पाता है मुझसे खड़े होके, तो इसलिए मैं नीचे बैठकर ही आटा गूंदती हूँ। मुझे पटरी वगैरह पर किसी चीज़ पर बैठकर भी मुझसे आटा नहीं गूंदा जाता है, तो इसलिए मैं बिना पटरी वगैरह के ही आटा गूंदती हूँ। मुझे ऐसे ही आदत है आटा गूंदने की, तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा आटा गूंद कर तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत अच्छा आटा गूंद के तैयार होता है। बैठकर जब हम आटा गूंदते हैं पूरा प्रेशर उस पर डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गूंद कर तैयार होता है आटा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, तो इसलिए मैं बैठकर ही हमेशा आटा गूंदती हूँ और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से भी गूंद जाता है। उसके बाद में जो आटा नीचे गिर गया था वो सारा मैंने उठा के डाल दिया था एक साइड पर, जहाँ पर मैं सूखी रोटियाँ इकट्ठा करती हूँ वहाँ पर मैंने डाल दिया था। और उसके बाद में मैंने सारे बर्तन क्लीन करे, मैंने वॉश कर लिए थे जितने भी बर्तन इकट्ठा हो गए थे आटा गूंदते टाइम, और जो ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बनाया था उसके, तो मैंने अच्छे से सारे बर्तन क्लीन कर लिए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लगाया था किचन में मॉप क्योंकि मैंने यहाँ पर आटा गूंथा था, तो इस वजह से यहाँ पर आटा पैरों में ना आए, इसलिए मैंने एक बार मॉप ज़रूर यहाँ पर लगा देती हूँ। उसके बाद में मैंने वहाँ से भी पानी साफ किया था, फिर मैंने वॉश बेसिन से ही हैंड वॉश किए थे अच्छे से। फिर उसके बाद में कुछ देर बाद मैंने आटा रख दिया था, कुछ देर के लिए आटा मैंने रख दिया था रेस्ट करने के लिए, ताकि आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बहुत अच्छा डो उसका रेडी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस उसमें आ जाती है। थोड़ी देर रखने के बाद ही मैं रोटियां बनाती हूँ, फिर मैं रोटियां बनाने लगी थी और किचन मैंने समेट ही लिया था, किचन मेरा क्लीन हो चुका था, लास्ट में मैंने रोटियां बनाई थी। आज मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी आपको, आज मुझे कोल्ड हो रहा है तो प्लीज़ मेरी वॉइस इग्नोर करें अगर मेरी आवाज़ अजीब लग रही हो तो, और मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है इसलिए आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है मेरी। ये रोटियां बनकर मेरी हो गई थी रेडी, उसके बाद में मैंने बनाए थे पराठे,
मेरा बेटा आ चुका था, उसके लिए मैंने बनाए थे पराठे। कभी कभी कोई सब्जी बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो पराठे वगैरह से खा लेते हैं आसानी से, इसलिए मैंने पराठा बना दिया था अपने बेटे के लिए। तो किचन फिर से क्लीन कर दी थी। उसके बाद में कुछ वक्त मुझे मिला तो फिर उसके बाद मैं ये लेकर बैठ गई थी अपने बेटे की यूनिफॉर्म, जो कि मुझे नीचे उसमें तुरपाई वगैरह ठीक से नहीं हो रखी थी, तो मैंने इसकी तुरपाई मोहरी की अच्छे से की। और फिर मुझे स्टिकर वगैरह लगाने थे स्कूल के, वो मैंने सेट किए। और कहीं कहीं जहाँ मुझे कच्ची सिलाई वगैरह नज़र आई तो मैंने वहाँ से भी सिलाई ठीक की थी इसकी। कुछ वर्क रहता है रेडीमेड यूनिफॉर्म्स जो आती हैं बच्चों की स्कूल की, उनमें थोड़ा बहुत ज़रूर कोई फिटिंग्स या एक्स्ट्रा सिलाई वगैरह हमें लगानी पड़ती हैं, स्टिचिंग वगैरह ज़रूर करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, तो परफेक्ट नहीं आती हैं वो। अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत उन्हें ठीक करनी पड़ती हैं, ये ठीक करानी पड़ती हैं। मैं तो खैर खुद से ही ठीक कर लेती हूँ। ये स्टिकर मुझे लगाना था इसके पॉकेट पे। उसके बाद में मैं गई थी, नेबर है मेरी उनके साथ मैं गई थी मेडिसिन दिलाने के लिए उनको, तो वहाँ पर कुछ टाइम लगा था। और उसके बाद में हम आ गए थे घर वापस, उस टाइम मैंने ये थोड़ी सी क्लिक दी थी। तो हम आ गए थे घर वापस 5 बजे, और बच्चों को आज मैंने जल्दी बुला लिया था ट्यूशन के लिए। और फिर हम यहाँ आ गए थे, और उसके बाद में मैंने चिकन मंगवाया था, हाफ के जी चिकन था ये, और इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था कम से कम 2 घंटे पहले। थोड़ा सा दही मैंने बाउल में डाला था, और ये सभी मसाले जो प्लेट में मैंने रखे हैं उन सभी से मैंने मैरिनेट किया था चिकन को 2 घंटे के लिए। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी इस चिकन की। इसको मैंने स्पून से नहीं हाथों से अच्छे से मैरिनेट किया था, और कट्स अच्छे से डीपली कट्स मैंने लगाए थे। इस तरह से मैंने मैरिनेट करने के बाद अच्छे से इसको लिड लगाकर बंद करके और फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, बट मेरे पास टाइम था तो मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था इसे। मैंने इसमें लास्ट में फूड कलर डाला था, मुझे कलर इसका अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑरेंज कलर जरदई रंग डाला था, और ये कलर डालने के बाद में इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया था। और अगर आपके पास कोई फूड कलर नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, ये देखें। और इसको मैंने रख दिया था 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। उसके बाद में मैंने ये प्याज वगैरह कट करके रखे थे, कुछ मसाले जो कि मैंने इसमें खड़े मसाले ही ऐड किए थे, वो भी थोड़े से, ज़्यादा मसाले मैंने बिल्कुल भी नहीं डाले हैं चिकन में। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल लिया था। आप इस रेसिपी को ऐसे ही इंजॉय करें, और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए चिकन की तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर से शेयर करूंगी आपके साथ ये रेसिपी। अभी मैं ज़रा थोड़ा नहीं बोल पा रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप इस रेसिपी को देखें, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दुआओं में मुझे याद रखें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।